राधे। मैं किसका हूं, मेरा कौन है, यह बात अनंत जन्म बीत जाने पर भी मैंने नहीं समझी। मेरा कौन है, मैं किसका हूं, कहां से आया हूं, कौन हूं, ये कौन बतावे। मैं जान लूं स्वयं असंभव, क्योंकि मेरे ऊपर माया हावी है और माया का स्वभाव है अज्ञान, अंधकार। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। समस्त जीवों पर माया का अधिकार है। भयं द्वितीयाभिनिवेशतस्य दिशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति। माया के कारण मति विपर्यय हो गया है, बुद्धि का ज्ञान चला गया है। मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मैं किसका हूं, सब भूल गया। इसको कौन बताएगा, किसी जीव पर तो हम विश्वास करेंगे नहीं, क्योंकि जीवों पर तो माया हावी है। और अगर किसी जीव पर माया हावी नहीं भी है तो मैं कैसे मान लूं। लोग कहते हैं तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, ये सब संत हैं, इनमें अज्ञान नहीं है, ये तो सुनी हुई खबर है, उड़ी पड़ी खबर है, लिखी पढ़ी खबर है। हमारा हृदय, हमारी बुद्धि ये कैसे स्वीकार कर ले। भगवान अगर कह दें मैं किसका हूं, मेरा कौन है, वो बता दें अगर, तो हम मान लेंगे, क्योंकि भगवान के ऊपर माया का अधिकार नहीं हो सकता। बिलक जमानया जस्य स्थात्मीक्षा पथे मुया। भगवान के सामने माया नहीं खड़ी हो सकती। माया परैत्यभिमुखे च बिलक जमाना। कृष्ण सूर्य सम माया होए अंधकार, जहां सूर्य ताहां मायार नाही अधिकार। सूर्य के समान श्री कृष्ण है, प्रकाश स्वरूप। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम, आदित्य वर्णम तमस परस्तात। तो भगवान कहां से आएंगे बताने के लिए, फिर हम कैसे जाने हम किसके हैं, हमारा कौन है। हा हा हा, एक रास्ता है वेद। निश्वसित मत्स्य वेदा, ये भगवान की वाणी है। जाकि सहज श्वास श्रुति चारी,
वेद वाणी गलत नहीं हो सकती, मिथ्या नहीं हो सकती। उन दोष पंक कलंक से सर्वथा असंस्पृष्ट है वेद वाणी। जो मायाबद्ध जीव में दोष होता है, अज्ञान वगैरह, ये सब वेद में नहीं है। वो वेदा ब्रह्मात्म विषया त्रिकांड विषया इमे, ग्यारहवें स्कंद के 21वें अध्याय का 35वां श्लोक, वेद ब्रह्म के समान है। जैसे ब्रह्म मायातीत है, मायाधीश है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है, परमात्मा, ऐसे ही वेद है। लेकिन वेद को भी जानना ये मायाबद्ध जीव के लिए असंभव है, यहां तक कि ब्रह्मा के लिए असंभव था। जब वेद प्रकट हुए, जैसे ब्रह्मा प्रकट हुए नाभि से, ऐसे ही श्वास से वेद प्रकट हुए। बनाया नहीं गए, लिखे नहीं गए, तो ब्रह्मा ने देखा वेदों को, नहीं समझ सका, क्योंकि अलौकिक वाणी है वेद। कालेन नष्टा प्रलय वाणीयम वेद संगीता, मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता। ब्रह्मा को मैंने बताया, प्रकट किया, लेकिन ब्रह्मा समझ नहीं सका। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत यत् सूरया। तो भगवान ने अपनी योग माया की शक्ति से ब्रह्मा की बुद्धि में प्रवेश करके उसको वेद का ज्ञान कराया। इसलिए वेद विशुद्ध और निर्दोष निर्भ्रांत, कोई डाउट नहीं, उससे पता चलेगा। उस वेद को जानने वालों के द्वारा हम किसके हैं, तो वेद कहता है कि हम भगवान के हैं। अमृतस्य वै पुत्रा पादोस्य विश्वा भूतानि, सब उसके अंश हैं। स्वकृत पुरेश्वमीषु बहिरंतरसंवरणम तव पुरुषम वदन्त अखिल शक्ति धृतोंश कृतम, सब उसके अंश हैं, उसके पुत्र हैं, उसकी शक्ति है। जिसे गीता कहती है ना, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, 15वें अध्याय का 7वां श्लोक, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च, 7वें अध्याय का 4था-5वां श्लोक, पराशक्ति है। वेद कहता है दिव्यो देव नारायणो माता पिता ब्राता निवासा शरणम सोहृद गति, वो हमारा सब कुछ है और मैं उसका हूं। कपिल भगवान ने अपनी मां से कहा था, ये शाम हम
प्रिय आत्मा सुतस्य सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का 38वां श्लोक। मैं जीवों का सब कुछ हूं और कोई नहीं है जीव का रिश्तेदार, केवल मैं हूं, केवल मैं। ये बात जो जान लेता है वो वेदव्यास लिख रहा है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम् मम देव देव। त्वमेव एव माने ही, तू ही मेरा सब कुछ। क्यों? आप समझिए लॉजिक से। तीन शक्तियां हैं, एक ब्रह्म भगवान, एक जीव और एक माया। तो भगवान महाचेतन और जीव अणुचेतन और माया ये जड़ है, जैसे तकिया जड़, न उसके शरीर है, न इंद्रियां है, न मन है, न बुद्धि है, कुछ नहीं। तो जड़ से तो हमारा कोई नाता हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम उसके उल्टा है, चेतन है। और चेतन भगवान के सिवा और कोई है नहीं, तीन ही तत्व तो है, इसलिए हमारा संबंध ही केवल भगवान ही है। माया हो ही नहीं सकती और माया का कोई सामान भी नहीं हो सकता, सब जड़ है। इसलिए और फिर वेद कहता है द्वा सुपर्णा सविजा सखाया समानम वृक्षम परिखस बजाते, यानी भगवान से हमारा साजात्य संबंध, सख्य संबंध, साद्देश्य संबंध, सायुज्य संबंध, ये चार संबंध हैं। साद्देश्य संबंध क्या? हमारे हृदय में वो भी है, मैं भी हूं, वो भी है, मैं भी हूं, यहां तक कि यह आत्मनि तिष्ठति, मैं उसमें रहता हूं, लेकिन हृदय में एक ही जगह दोनों। और सविजा के साथ सखाया, वो हमारा सखा है, सख्य संबंध है, और कोई सखा नहीं। सखा माने पापान निवारयति यो जयते हिताय, जो हमारा हितैषी हो, बिना उपकार चाहे, निस्वार्थ भाव से जो हमारा हितैषी हो, वैसी को सखा कहते हैं। तो भगवान को हमसे कुछ चाहिए नहीं, फिर भी वो हमारी इतनी चिंता करते हैं कि मां के पेट में डालने से लेकर और सदा जहां जहां हम गए हमारे साथ रहकर, हमारी इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में तत्त्व कर्म करने की शक्ति लगातार दे रहे हैं, यहां तक कि आत्मा में भी चेतना शक्ति वे देते रहते हैं।
जिस योनि में हम जाते हैं वो साथ रहते हैं, हमारे अनंत जन्मों के कर्मों का हिसाब रखते हैं, उसका फल देते हैं, वर्तमान जन्म के कर्म का भी हिसाब रखते हैं। ये सब बिना कहे ऐसा हमारा सखा। और साजात्य संबंध भी है, वो भी चेतन है, हम भी चेतन है। और सायुज्य संबंध भी है, यो अक्षरे तिष्ठन, हम उसी में रहते हैं। यहां तक कि वेदों ने कह दिया अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अरे हम दोनों एक हैं। बस इससे बड़ी और क्या बात होगी रिश्तेदारी की। ये जो हम लोग एक्टिंग में कहते हैं मम्मी पापा बीबी पति से जोकरी करते हैं ना हम लोग, हम दोनों एक हैं। समुद्र की तरंग से जो रिश्तेदारी है वो नित्य है। कोई तरंग समुद्र से भिन्न नहीं पैदा होती और न लीन होती है। अरे समुद्र से ही तरंग पैदा होगी, समुद्र में ही लीन होगी। ऐसे ही ये तो वायु मानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ते यत् प्रयन्त्यभिषम् विशन्ति। हाँ, इसलिए वो हमारा हम उसके।